मुझे तो कोई समझाएगा हुआ क्या है। जब आपकी शादी हुई थी तब वो मुझे पता था कि आपकी शादी हो रही है, तो मैंने इनको बोला था कि शादी कर दो, क्योंकि तब कंडीशन ये थी कि हम घर में नहीं बता सकते थे। और मैं इनके घर वालों को क्या जवाब दूंगी, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, और दुनिया वाले, कभी आपने ये सोचा कि दुनिया वाले आपको क्या कहेंगे? यही बताने के लिए तो आज हम लोगों ने सामने कैमरा रिकॉर्ड किया है। हेलो दोस्तों, मैं दैज़ खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ ये लोग हैं ना, मतलब क्या हम बताएं, बताइए क्या, समझ में नहीं आ रहा है हमको अभी आपसे क्या बात करना है, क्या से बोलूं मैं, बताइए आप लोग कितना दिन पहले आप लोग का शादी हुआ है? डेढ़ साल पहले आप दोनों शादी कर रहे हो, और इस बात का खबर किसको था? किसी को नहीं थी। आज ऐसा क्या हो गया जो आप लोग बताना चाह रहे हो पूरी दुनिया को? आज हम दोनों क्या बोलते हैं, डेढ़ साल पहले शादी कर चुकी थी, और हमको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी अरेंज मैरिज कर चुका हूँ, और ये मेरी लव मैरिज। कितना दिन पहले अरेंज मैरिज हुई थी? छः महीने पहले। जोर से बोलो, 6 महीने पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। हाँ, जब गलती करते तो उस समय समझ में नहीं आता है। कितना दिन पहले अरेंज मैरिज हुई थी आप लोगों की? 6 महीने पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। आपकी 6 मंथ पहले अरेंज मैरिज हुई थी, और इस बात का खबर आपको था? जी। दोस्तों मैं थोड़ा सा आप बता दूं लुक के बारे में, कि ये लोग ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे आप लोग, है ना, और डेढ़ साल पहले तकरीबन ये लोग शादी किए। अभी क्या सिचुएशन है कि 6 मंथ पहले इस इंसान का शादी हुआ था, अरेंज मैरिज, और उस शादी का खबर इसे भी था। तो क्या बात है, पूरी चीज़ को एक बार बढ़िया से एक्सप्लेन करो। आप बताओ मैम, आप क्यों, आपको जब ऑलरेडी जब आप शादी कर चुकी थी इससे, तो आज क्यों फिर उनको इजाज़त दे दी कि जाके अरेंज मैरिज कर लो, और ऐसा आज क्या हो गया जो आप पूरी दुनिया के सामने बताने वाली हो? एक्चुअली हम लोगों की शादी 1.5 साल पहले हुई थी, और फिर अभी 6 महीने पहले उनकी फैमिली ने उनको फोर्स किया था शादी के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन तब हम लोग अपने अपने घर में नहीं बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? होती हैं लाइफ में कुछ सिचुएशंस कि हम अब एक दूसरे के घर पे तब नहीं बता सकते थे अपने बारे में, बट हाँ हम लोग शादी कर चुके थे, तब हम लोग ने बीच में बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट फिर बात फैमिली की भी थी, तो मैंने इनको बोला कि आप शादी कर लो जाके फिर बाद में। लेकिन अब हमें कुछ टाइम बाद ही रियलाइज़ हुआ कि जो इनकी सेकंड वाइफ हैं उनके साथ हम लोग धोखा कर रहे हैं, तो हमें ये लगा कि हमें उन्हें बताना चाहिए सच जो भी है, जो भी हम लोगों ने किया है और जो भी हुआ उनके साथ, वो उन्हें पता चलना चाहिए, और ये बात सबको भी पता चलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो और सबको पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है। वाह, सही है। आप जनाब कुछ बोलना चाहिएगा? आपको जब ये बोली कि जाके शादी कर लो अरेंज मैरिज, तो उस समय आपको ख्याल नहीं आया था? भाई जोर से बोलो ना, जब गलती करे तो उस समय सही रहते हो, अभी आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो। ख्याल क्या सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और मैंने जो भी करा सिर्फ इनके लिए करा, इन्होंने ही मुझे बोला था कि आप जाके अरेंज मैरिज कर लो, और आप कर लिए? मैंने कर ली सर। आज ऐसा क्या हो गया जो फिर आप बता रहे हो उनको, अपनी वाइफ को? अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा हूँ। उस समय तो धोखा नहीं दिए थे ना, अब शादी कर ली है तो अब जाके एहसास हो रहा है, शादी से पहले बता देते ना, कम से कम घर वाले को बता देते, फैमिली को बता देते। सर हम ये सब नहीं बता सकते थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब मेरे को कहीं ना कहीं जाके ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूँ, और मैं उसको ये सब कुछ सच से बता देना चाहता हूँ। और क्या बोलते हैं, मैंने उसको भी फ़ोन करा है, वो यहाँ पे आएगी, और मैं उसको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, तो तकरीबन आपको सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा कि क्या है यहाँ पे ये सब। आने दीजिए इनकी वाइफ को, उसके बाद देखिए बोलिए
रिएक्शन क्या होगा एक बार, क्या नहीं होगा देख लीजिएगा। गलती कर लेते हैं उसके बाद फिर धोखा देना नहीं देना चाहते। अर्चना मेरे को क्या बोलते हैं आपको कुछ बताना था। ये मेरी बताइए दोस्त, मतलब उसी टाइप की कुछ लगा दोस्त। हाँ तो मैंने आपको अर्चना यहाँ पे कुछ क्लियर करने के लिए बुलाया था, जो मैं बहुत दिन से आपको बोलना चाह रहा था पर मैं आपको बता नहीं पा रहा था। और क्या बोलते हैं, ये मेरी दोस्त नहीं, ये मेरी, मैं आपको क्या समझाऊँ, ये मेरी दोस्त नहीं, मतलब ये मेरी मेरे को ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारी शादी हो चुकी है। डेढ़ साल पहले। तो आप क्या बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है? वही सब क्लियर करने के लिए मैंने आपको ना बुलाया था। और क्या चल रहा है ये सब? यही सब देखो अर्चना, आपको भी पता चल ही गया है, आपने भी सुन लिया है कि क्या है। देखो हम लोग की शादी हुई थी, हम चाहते थे हम छुपा भी सकते थे ये बात, आपको आज तक नहीं पता चलती, आगे भी नहीं पता चलती, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए और आप भी समझने की कोशिश करो। क्या समझूँ, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? हाँ मुझे पता है, आप लोग तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। आपका गुस्सा करना जायज है बट नहीं, गुस्सा नहीं, एक मुझे तो कोई समझाएगा हुआ क्या जब है। जब आपकी शादी हुई थी तब वो मुझे पता था कि आपकी शादी हुई है, तो मैंने इनको बोला था कि शादी कर, क्योंकि तब कंडीशन ये थी कि हम घर में नहीं बता सकते थे और फैमिली की खुशी इसी में थी। पर जब हमें रियलाइज़ हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि आपको बताना चाहिए, हम इसलिए आपको बता रहे हैं, प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश करो। तो आप उनसे प्यार करती थी तो आप रिश्ता तोड़ देती, मेरी शादी ना होने देती? आपको पता है मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है अभी? कब बता रहे हैं? 6 महीने बाद? ये सब मैं आपको बहुत पहले बता सकता था लेकिन मेरी अंदर से हिम्मत नहीं हुई और आज ये सब मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और अब मैं क्या करूँ? अब आप दोनों में हिम्मत है परिवार से बात करने की? देखो अर्चना मेरे को माफ कर दो, जो भी मैंने आपके साथ करा अपनी गलती पे अब जाके बहुत रियलाइज हो रहा है कि मैंने आपके साथ जो भी करा बहुत गलत। हम लोगों से गलती हुई है, हम मानते हैं, हम चाहते थे हम छुपा भी सकते थे इस बात को, पर आपको कभी पता नहीं चला। जैसे आज तक 1.5-2 साल में किसी को नहीं पता लगी, ऐसे आपसे भी छुप सकते, लेकिन एक लड़की होने के नाते ही मैंने आपको बुलाया, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको बताना चाहिए और इसीलिए आज हम लोग आपको ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा हो रहा था, आपके साथ भी हो रहा है। धोखा आप कर रही हैं, आपके साथ हुआ नहीं है। आप मेरी जगह खुद को रख के देखिए और बताइए क्या है ये सब। मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ इसीलिए तो आज बताया, अगर नहीं बताती या छुपा लेती आप एक दूसरा पार्ट भी तो देखिए, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अब आप घर वालों को कैसे बताएंगी और क्या कहेंगी?
कि आप पहले गुस्सा शांत कीजिए और समझिए बात को कि हम लोग नहीं बता पाए आपको, अब बता रहे हैं, हमें रियलाइज है अपनी गलती और अब धोखा आपको। मैं क्या करूँगी अब मैं क्या करूँ इसका, मैं घर वालों से क्या बोलूँ और आप क्या बोलेंगे, आप मेरे घर वालों से क्या बोलेंगे? पहले आप तो समझिए, घर वालों से तो बात हो जाएगी लेकिन पहले आप तो बात को मानिए। आप चाहती हैं मैं आपको इसमें सपोर्ट करूं? नहीं, मैं सपोर्ट या आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती, किसी भी अदरवाइज वाली बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हम आपको सिर्फ बताना चाहते थे, इस बात से रूबरू कराना चाहते थे कि एक्चुअली है क्या मैटर। हम लोग छुपाने को अभी तक छुपाते आए और आगे भी छुपा लेते, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लोग गलत कर रहे हैं, धोखा आपके साथ भी हो रहा है और यही धोखा आगे चल के मेरे साथ भी हो सकता है। हम लोगों से गलती हुई है, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप समझिए। मैं क्या समझूँ मैम इसमें, मैं क्या समझूँ? मेरा पति था वो मुझसे पहले किसी और से शादी कर चुका है, मैं इनके घर वालों को क्या जवाब दूंगी, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? और दुनिया वाले, कभी आपने ये सोचा कि दुनिया वाले आपको क्या कहेंगे? यही बताने के लिए तो आज हम लोगों ने ये सामने कैमरा रिकॉर्ड किया है। दानिश जी, मुझे ये सब क्या चल रहा है? इनसे मिली हुई है दानिश जी और इनके थ्रू ही आज मैं आपको यहाँ आपके सामने हम लोग बता पाए हैं और आज पूरी दुनिया के सामने जो भी गलती हमसे हुई है हम उसको रियलाइज कर रहे हैं और उसके लिए ही आज हम यहाँ पे हैं। और सामने देखिए आप, कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड हो रही है हमारी सारी बातें। मैं खुद ही लोग को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग आखिर ये किए थे तो कम से कम उस चीज़ को रोक देते, उस चीज़ को अगर रोक नहीं पाए तो कम से कम इस चीज़ को कंटिन्यू कर देते ज़िंदगी भर। हाँ देखिए मैम, तो हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। देखिए डिसीजन आपका होगा अर्चना जी, क्या करना है क्या नहीं करना है आपके हाथ में है। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, मगर डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आप हाथ हटाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है आपकी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया को बताने के लिए आपने कैमरा अलग लगा दिया है। मुझे तो मत घसीट देना इन सब में,